अरे रास्ते मत खड़े हो, निकलने का रास्ता दो। रास्ते से हट जाओ। हाँ जी, जोर से बोलो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, महर्षि जो बहुत पवित्र बनते हैं उनको महर्षि कहा जाता है, और ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म भगवान को समझते हैं। भगवान की कोटि का जो पुरुषार्थ है वो ब्रह्म ऋषि का पुरुषार्थ कहा जाता है। भगवान तो पतित तन में आता है, परंतु पुरुषार्थ करा के परम पवित्र बना के जाता है, इसलिए ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। घर में तो बहुत जोर से बोलते हैं। सप्तऋषि माने सात ऋषि, जो सप्तऋषि सतयुग में जाकर के आखिरी सात नारायण बनते हैं वो संगम युग में सप्तऋषि कहे जाते हैं। और चालीस साल बताया, सिर्फ जो सतयुगी शूटिंग में आते हैं। सतयुग की आबादी है 2 करोड़। 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश संक्षेत्र तक मिल गया, इसलिए 40 वर्ष बताए हैं सतयुग की शूटिंग के, देवतावर्ण की आत्माओं की शूटिंग के लिए। सीढ़ी के चित्र में भी लिखा हुआ है, नीचे कॉर्नर की ओर 40 वर्ष का संगम युग, जहाँ के लिए मुरली में डायरेक्शन दिया है कि सीढ़ी में नीचे लिखो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। जो परमात्मा बाप को, बाप के पार्ट को न पहचानने के कारण विपरीत बुद्धि बन गए, उनका पद विनाश हो गया। संक्षेत्र तक के 40 वर्षों में भी पुरुषार्थ करते करते जो नर से नारायण बनने का पद था वो पद नहीं पा सके, इसलिए 40 वर्ष कहा गया है। पचास वर्ष कहा गया है, जो सेकेंडरी मुख्य ब्रह्म है, दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा, उसका मृत्युलोक समाप्त होता है 50 वर्ष के बाद। मृत्युलोक खलास होता है तो अमर लोक में वो आत्मा पार्ट बजाती है,
जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया गया है पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से रहती है, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। मृतलोक खलास हुआ, अमर लोक शुरू हुआ। और 60 वर्ष कहा गया है उन आत्माओं के लिए जो कृष्ण और कृष्ण के सहयोगी बच्चों की तरह संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में पहला जन्म लेकर। द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है, इसलिए शास्त्रों में भी उस बात की यादगार कृष्ण को द्वापर के अंत में दिखाया है, महाभारत की स्टेज पर। कृष्ण की आत्मा पहला जन्म लेकर के प्रत्यक्ष हो जाती है, जैसे बच्चा पहले गुप्त पाठ बजाता है गर्भ में, फिर जन्म लेकर प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में गुप्त पाठ बजाती रही और 98 में प्रत्यक्ष हो जाती है। शास्त्रों में दिखाई दिया है जेल में जन्म हुआ, बाद में स्वतंत्र हो गया। अभी भी भारत की गवर्नमेंट स्वतंत्रता दिवस मनाती रहती है। वो स्वतंत्रता दिवस और कोई दिवस नहीं है, वास्तव में इस सच रूपी वृक्ष की जो पहली आत्मा कृष्ण है, वो जेल के वातावरण से स्वतंत्र हो जाती है। दुनिया की नजरों से ओझल हो जाती है, दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो जाती है और ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। साठ वर्ष वो गए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा संगम युग के 100 वर्ष हैं, जिसमें संपूर्ण स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न हो जाता है। इस तरह कहीं संगम युग को 40 साल, कहीं 50 साल, कहीं 60 साल और कहीं 100 साल दिया हुआ है। इसके अलावा भी और कई कई तरीके से ये संगम युग गिना जा सकता है। और 80 साल भी कहा गया है? 80 साल भी कहा गया क्या? 80 साल क्या संगम युग कहा है? नहीं, मीडियम में 80 भी कहा है क्या? नहीं, अस्सी साल कह दें तो सारी बात ही क्लियर हो जाएगी, फिर एडवांस में क्लियर होने की खास बात क्या रही? याद है और
है ये सबका अपना अपना अलग अलग है। पहले पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, फिर जिस राजा ने जितनी पढ़ाई पढ़ ली एक्सपर्ट हो गया, होशियार हो गया, उतना फिर युद्ध भी करना पड़ता है। मां भक्ति मार्ग की दुनिया में स्थूल युद्ध होते हैं, युद्ध में जीतने पर राजाई मिलती है। यहां सूक्ष्म युद्ध है माया का, जो जितनी ज्यादा पढ़ाई पढ़ता है ज्ञान में ज्यादा होशियार बन जाता है, सेवा का ज्यादा पुरुषार्थ करता है, उसके सामने माया भी बड़ा रुस्तम होकर के लड़ती है। भयंकर युद्ध चलता है। पहले पढ़ाई फिर लड़ाई, बेसिक पढ़ाई है तो बेसिक लड़ाई है, और एडवांस की पढ़ाई है तो एडवांस की लड़ाई है। बहुत से ब्राह्मण बच्चे कहते रहते हैं बेसिक में इतनी ज्यादा अवस्था खराब नहीं होती थी, अभी जब से एडवांस में आए हैं तब से बहुत अवस्था नीचे गिर गई है। अब ऐसे ही नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद सबकी अवस्था नीचे गिरती है, कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जितना माया का प्रकोप होता है उतना उनका पुरुषार्थ और ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि एडवांस में आने के कारण अवस्था खराब हो गई। ऊंची पढ़ाई है तो ऊंचे स्तर की लड़ाई भी है, और फिर ऊंचे स्तर की राजाई भी मिलती है। अभी मुरली में बाबा ने बोला अभी अब शरीर छोड़ने से फिर शरीर लेता है, जन्म लेकर छोटा बच्चा बनता है, तो इसलिए तो वो पीछे वाला कहते हैं वो जन्म जो थोड़ा है वो सब शरीर लेगा। हाँ तो हम एडवांस में कहते हैं ना जो भी बीके वाला शरीर थोड़ा है। हाँ बीके वाले की बात कही, ये तो आपने ऐड कर ली, यहाँ बीके की बात थोड़ी की। ये भी मुरली बीके वाले भी पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का तौर तरीका और समझ अलग है, बेसिक नॉलेज के बतौर है, और हमारा पढ़ने का तौर तरीका और समझ अलग प्रकार की हो जाती है। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है कि हम इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे, हमारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि हमको यही पुरुषार्थ करना है, यही पढ़ाई पढ़नी है, यही लड़ाई लड़नी है, और यही राजाई भी पानी है। कोई दो तीन साल बीके में रह करके शरीर छोड़ लेता है तो वो भी जन्म नहीं लेता? जन्म नहीं लेता? अभी जैसे दादी दीदी लोग वो दो तीन साल थोड़े ही पढ़ती है, दीदी दादी दादा है, नहीं, नहीं, उनके पास नहीं है। वो तो लंबे टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो तो पढ़ते आ रहे हैं। कोई नया स्टूडेंट है एक दो साल जो दो साल के तीन साल के स्टूडेंट्स होते हैं और डायरेक्ट एडवांस में आ जाते हैं वो तो पूर्व जन्म की आत्माएं हैं, वो नए नहीं है।
हाँ एक दो साल पीछे में गुजरात करके हाँ जी छोड़ देता है। हाँ जी दो साल या सात साल हाँ जी गुजरात करके शरीर छोड़ देता है। हाँ तो उनको क्या होता है, उनका जन्म मिलता है कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा, उनको भी जन्म मिलेगा। तो ये बस ये खेल हो जाता है ना, सब ये शरीर का हिसाब किताब सब कुछ हो गया, इसलिए वो दादी दीदी लोग शरीर नहीं लेता। नहीं, दीदी दादी की बात अलग है, दीदी दादी पुराने टाइम से ज्ञान में चल रही है, बेसिक में चल रही है, और जो दो तीन वर्ष से बेसिक में आए हैं उनकी बात अलग हो जाती है, उनका फाउंडेशन अलग हो जाता है। अभी तो बता दिया कि पहले के निकले हुए जो वारिसदार हैं वो यज्ञ में अब तक काम दे रहे हैं, और अभी जो नए नए वारिसदार निकल रहे हैं वो आज निकलते हैं, थोड़े समय चलते हैं और फिर फां हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। नए बच्चों को जन्म मिलता है ये पुराने? क्यों नहीं मिलेगा, नए बच्चों को जन्म मिलने की संभावना ज्यादा है, और जो पुराने पुराने चल रहे हैं यज्ञ में उनको अहंकार ज्यादा रहता है, तो अहंकार के कारण वो एडवांस ज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ब्रह्मा सरस्वती ही उनका टॉप मोस्ट लक्ष्य है। हाँ जी, उससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जाएंगे ऊंचे नहीं जा सकते। ज्ञान तो कहीं भी बैठ करके दो, अपना वायुमंडल शुद्ध होना चाहिए, जो ज्ञान लेने वाला है उसकी धारणा अच्छी होनी चाहिए, पवित्रता का संकल्प लेकर के 7 दिन का कोर्स करता है और संकल्प को पूरा भी करता है तो उसका फाउंडेशन अलग प्रकार का पड़ता है। हाँ राम को मानता है, इसलिए राम लेकिन नहीं बनता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, इसलिए कृष्ण के जीवन में जो जो बातें आई हैं वो सारी बातें क्रिश्चियंस में भी उठाई गई है, और राम के जीवन में जो बातें आई हैं उन विशेष बातों को इस्लामियों ने विशेष उठाया है। कृष्ण का जो पार्ट है वो बच्चा बुद्धि का पार्ट है। बच्चा पहले होता है या बाप पहले होता है? तो राम वाली आत्मा और उसको स्पेशल फॉलो करने वाले इस्लामी वो पहले होते हैं, और कृष्ण वाली आत्मा और उसको फॉलो करने वाले क्राइस्ट और क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस बाद में होते हैं। ये रचयिता और रचना की सरणी बन जाती है।
और इस्लाम में राम का जीवन से क्या मुसीबत होता है? इस्लामी जो है वो इब्राहिम को फॉलो करते हैं। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म का कन्वर्ट होने वाला नारायण वाली आत्मा है। उस नारायण को भी जन्म दे करके बीज रूप बाप बनने वाली आत्मा एडवांस पार्टी की आत्मा है। और उस एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्मा को भी जन्म देने वाला राम वाली आत्मा है। अभी तो उम्र ही कम होने लगी है, यहाँ तक कि बाप के सामने ही बच्चा मर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बच्चा भी जिंदा रहता था, बाप भी जिंदा रहता था, और बाप का बाप ग्रैंडफादर वो भी जिंदा रहता था, और ग्रैंडफादर को जन्म देने वाला भी जिंदा रहता था। पहले जो परिवार होते थे उनमें बुजुर्गों को बहुत मान दिया जाता था। जितना परिवार का जाति बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसके हाथ में जाति सत्ता रहेगी, जाति मान्यता रहेगी। तो जो बाबा पर बाबा होते थे उनके हाथ में पूरे परिवार की कंट्रोलिंग होती थी। तो राम वाली आत्मा द्वापर के आदि में बहुत मान्यता लेने वाली थी। और क्रिश्चियंस तो 500 साल के बाद आए हैं, तब तक बहुत बात बदल जाती है। बाबा अभी बाबा मुरली ने कहा दुलीप सावली का कहानी। हाँ जी, इसका अर्थ क्या? ढेर सारी कहानियों की बातें बाबा ने, मुसलमानों की कहानियां हैं जो मुसलमानी संप्रदाय में बहुत विख्यात हैं। हातिम ताई है, अल्लाह अवलदीन की कहानी है, गुल वकावली की कहानी है। ये वर्तमान संगम युग से टैली करने के लिए बाबा ने बोल दी है, ताकि बच्चे उन कथा कहानियों को जो मुसलमान धर्म में विख्यात है वो मुसलमान धर्म की भक्ति मार्ग की कथा कहानियां हैं, और भक्ति मार्ग में जो भी हुआ है वो कहाँ से टैली कर सकते हैं? संगम युग से टैली कर सकते हैं। हिंदुओं के जो शास्त्र हैं पुराने पुराने कथा कहानियां वो भी संगम युग से टैली होती हैं, और मुसलमानों के जो धर्म शास्त्र हैं पुरानी पुरानी कथा कहानियां हैं वो भी ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया से टैली होती है। उनमें गुल बकावली भी एक कहानी है, कथा है, जिसका जिक्र बाबा ने मुरली में कर दिया है। और अभी तो मुसलमान लोग बहुत कम निकल रहे हैं, आगे चलकर के जब मुसलमान लोग निकलेंगे तो इन्हीं कथाओं के आधार पर वो अपने सारे कुल को चेंज करेंगे। बाबा एक डीसी ने बताया तो
कुमारी है इंद्र ने प्रजापिता है इंद्र हाँ बोलो इंद्र प्रजापिता है कुमार का दादी तो बेसिक क्या है हाँ जी एडवांस में भी कोई अगलिया है एडवांस में अहल्या बीज रूप में नहीं है जब आधार मूर्त में है जड़ में बैठी हुई अहल्या है तो जड़ को जन्म देने वाला कौन बीज भी कोई होगा हाँ जी बेसिक माने जड़ आधार मूर्त और जड़ को जन्म देने वाला बीज एडवांस है अरे इस्लाम धर्म जो है जो विधर्मियों और विदेशियों के बीच में सबसे पुराना है ऐसे ही एडवांस की दुनिया में एकदम एडवांस के आदि में चार मुख्य धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं थी उनमें विदर्भियों और विदेशियों के बीच में बीज रूप की स्टेज में पार्ट बजाने वाली मुख्य आत्मा कौन थी इस्लाम धर्म की बीज जैसे कि बेसिक नॉलेज में विश्व किशोर भाव ही एक ऐसा भाई था जो ब्राह्मणों की दुनिया में कराची में जब पार्ट बजा रहा था तो मुसलमानों से भी उसका संसर्ग संपर्क संबंध था आना जाना और रहना था और जो ब्राह्मणों की दुनिया कराची में एक बंगले में पार्ट बजा रही थी वहां भी उसका संसर्ग संपर्क संबंध था वो एकमात्र ऐसी आत्मा थी जिसके ऊपर ब्रह्मा बाबा का सबसे जास्ती विश्वास बैठा हुआ था और यज्ञ का ज्यादातर कारोबार उसी व्यक्ति से ही कराया जाता था बाइयों के बीच में विश्व किशोर बाहू ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत मान मर्तबा लेने वाला था और कन्याओं माताओं के बीच में एक ही आत्मा ऐसी थी जिसके लिए मुरली में बोला है इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की और बाबा के शरीर छोड़ने से पहले भी कुमारिका दादी ये 20 बार बोल चुकी कि ब्रह्मा बाबा के वारसदार हम ही बनेंगे यहां भी बनेंगे और वहां भी बनेंगे नई दुनिया में और जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी क्या रिजल्ट आया कौन गद्दी नशीन बना वो ही आत्मा बनी तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में विश्व किशोर बाहू और कुमारिका दादी ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा के वारसदार बने
ये शूटिंग हो गई तो सतगुरु में क्या बनेंगे? सेकंड नारायण नारायण ही बनेंगे। और जब द्वापर युगीन पुरानी दुनिया की शुरुआत होगी, द्वैतवादी दुनिया की शुरुआत होगी, तब वो आत्माएं वहां जाकर के क्या बनेंगी? सेकंड नारायण और नारायणी, ऊपर से आने वाले धर्म पिता के आधारमूर्त बनेंगे। जरूर उन आधार मूर्तों को जन्म देने वाला कोई बीज भी होगा। वो बीज भी वो ही होता है जो एडवांस पार्टी में ब्रह्मा के चार बड़े मानस पुत्रों में एक सबसे पावरफुल विधर्मी होता है। जो बच्चा जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा समझदार और पावरफुल होता है। इसलिए जब एडवांस ज्ञान निकला तो वो ही बच्चा निमित्त बनता है जो एडवांस ज्ञान को पूरा समझ करके तत्कालीन समय के अनुसार इतनी जल्दी धारण करता है कि एक रात के अंदर ही 9 पेज का लिटरेचर तैयार कर लेता है। पहला लिटरेचर, उससे पहले कोई भी लिटरेचर नहीं छपाया गया। और दूसरे दिन वो लिटरेचर लिथो कॉपी से छपा करके सब सेंटरों पे भेज दिया जाता है। उसका हेडिंग था शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो शिव ज्योति बिंदु का डमरू होता है क्या? है शिव तो ज्योति बिंदु है, उसको हाथ ही नहीं है, डमरू कैसे बजाएगा? शिव की आत्मा कोई ऐसे व्यक्तित्व में प्रवेश करती है जो यज्ञ के आदि में भी सारे ब्राह्मण परिवार का सरपरस्त रही, पूरे ब्राह्मण परिवार को पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनी, डायरेक्शन देने के निमित्त बनी। उसमें शिव बाबा प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। वो ही आत्मा उस समय पूरा शक्ति चक्र का ज्ञान न होने के कारण टूट पड़ी और दूसरा जन्म लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई। जैसे बच्चे के सामने पहले माता प्रत्यक्ष होती है या बाप प्रत्यक्ष होता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा माता पहले प्रत्यक्ष हो गई। ये वेद की माता है सारे संसार की, तो वेद का बाप भी चाहिए। वो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसे राम बाप कहा है मुरलियों में, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। तो वो आत्मा राम वाली आत्मा साबित हो जाती है और उस मनुष्य शक्ति के बाप के सहयोगी के रूप में 3 बच्चे और प्रत्यक्ष होते हैं, जो 3 बाकी धर्मों के बीज रूप संसार में प्रत्यक्ष होते हैं।
उनमें एक का नाम रामायण में भरत दिखाया गया है, इसके लिए बोला है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत आस हुई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने के निमित्त बनता है उसका नाम भरत विख्यात होता है। वास्तव में विश्व का भरण पोषण करने वाली तो राम की आत्मा बनती है, परंतु राम वाली आत्मा का भरण पोषण ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में एडवांस पार्टी में सबसे पहले वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा करती है। इसलिए उसका नाम भरत पड़ता है। तो कोई सहयोगी आत्मा भी होगी, जैसे बेसिक में और सत्युग के आदि में सेकंड नारायण के साथ नारायणी होती है, और संगम में पार्ट बजाने वाली भी कोई होती है। ऐसे ही एडवांस की दुनिया में भी विश्व किशोर भाऊ की बीज रूप आत्मा वो भरण पोषण करने वाला भरत जो सनक नाम से प्रत्यक्ष होता है। वो निमित्त बनती है और उसकी कोई सहयोगिनी शक्ति भी होती है। पुरुषार्थी जीवन में जो सहयोगिनी शक्ति सेकंड नारायण नारायणी की भी बीज रूप बनती है। तो बीज रूप में माया हो गई, उसका नाम शास्त्रों में योग माया है। दिल्ली में मेहरौली में योग माया मंदिर उसका यादगार बना हुआ है, जहां से एडवांस पार्टी में वो प्रत्यक्ष होती है निमित्त बन करके। ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजयोग की फिल्म बनाई गई बेसिक में, उसमें उसका चेहरा बार बार दिखाया गया था, परंतु बाद में जब एडवांस ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ तो उस फिल्म को ऐसे ही उड़ा दिया गया, गुप्त कर दिया गया, जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से बनाए हुए चार चित्रों को गुम कर दिया गया। क्या चित्र था बाबा? है क्या चित्र को गुम कर दिया? जो याद में बैठी हुई जो विशेष आत्मा राजयोग फिल्म में दिखाई गई थी उस राजयोग फिल्म को ही उड़ा दिया, जिसकी यादगार दिल्ली में योग माया के रूप में बनी हुई है। हर वर्ष वहां बड़ा मेला भी लगता है, उस मेले में राष्ट्रपति भी जाता है। हाँ जी, दूसरा नारायण और नारायणी का बीज होता है ना, वो लोग द्वापर में उनका बीज होता है योग माया। बिल्कुल, और उनका बाजू का गरमा है, सारे के बजे उनका गर्मी है।
6:30 को उनका घर में आ रही है, उनको आठवा कोर्स तो पूरा नहीं किया, लेकिन वो जनरल कैडेट बताया वो उसमें बहुत खुशी है, वो जनरल पहले कहीं तो सुना सकते हैं। हाँ जी, कोई को 7 दिन कोर्स न भी देना आता है या बोलना ही नहीं आता है, ज्ञान सुनाना नहीं आता है, तो कम से कम अगर ज्ञान को सुनने का कोई उत्सुक जिज्ञासु है तो उसको एडवांस कोर्स की जो जनरल क्लासेस की सीढ़ियां हैं वो सुना दी जाए तो उसका एडवांस कोर्स पक्का हो जाएगा, निश्चय बुद्धि भी बन जाता है। और तो सब सीढ़ियां तो इंटरनेट से दिया ना, तो पब्लिक को चले जाएगा। पब्लिक जो है वो प्रजातंत्र में है या राजतंत्र में है? तो यथा राजा तथा प्रजा, प्रभाव पड़ता ही नहीं जब तक कि एक एक को बैठ करके न समझाया जाए। ये ज्ञान राजाओं के लिए है, राजाएं तो दुनिया में मुट्ठी भर हैं, बाकी तो सारी दुनिया प्रजा वर्ग में आती है। उन राजाओं को तैयार करने के लिए एक एक के पीछे बैठ करके मेहनत करनी पड़े। इंटरनेट या सीढ़ियां ये तो लिटरेचर है, लिटरेचर के लिए मुरली में बोला है कि कोई को ऐसे ही लिटरेचर दे देंगे बिना समझाए, तो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, फेंक देगा। इसलिए लिटरेचर अगर किसी को देना है तो पहले थोड़ा टाइम दे करके अच्छी तरह से समझाना चाहिए, एक बार कम से कम। जब वो कान हिलाने लगे और स्वयं लिटरेचर मांगे तब लिटरेचर देना चाहिए। तो लिटरेचर पढ़ेगा सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। मात्रम अविद्या है, इच्छा मात्रम अविद्या और जब इच्छा ही नहीं रही तो किसके प्रति मोह हो जाएगा? एक ही बात तो हो गई, मोह किसके पीछे जाता है? जिसके पीछे मोह जाता है, अटैचमेंट जाता है, उसके पीछे इच्छा भी जाती है। इच्छा ही नहीं रही, जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या हो गया, नष्ट मोह हो गया। हाँ जी, अभी भी कृष्णात्मा है, अभी भी कृष्णात्मा, कृष्ण वाली आत्मा, आत्मा समझती है मैं भी पिता का भगवान। हाँ जी, लेकिन जब अंत में वो उनका ज्ञान आता है, हाँ? मैं पिता का भगवान नहीं हूँ,
उस टाइम में ये पश्चाताप आता है क्या, ये क्या भारी गलत किया उन आत्माओं ने? हाँ पश्चाताप आता है होगा। अगर पश्चाताप नहीं होता है, अपनी गलती का एहसास ही जिसको नहीं होता है, तो अस्त की लिस्ट में आ सकता है कि नहीं? लेकिन आता है नहीं आता है तो बहुत भारी दंड होता है ना। भारी दंड यही होता है कि सन 68 से लेकर के और तब तक के जीवन में, जब तक कि वो बच्चा बाप समान स्टेज संस्कार नहीं धारण कर लेता, तब तक भटकता रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया में और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के प्रभाव में आता रहता है। गुलजार दादी जैसी आत्माएं जो नारायण के विशेष सहयोगी बनती है, उनके संग के रंग में आता रहता है। कम है माँ 10 बच्चों में से जो बड़ा बच्चा पूरी दुकान को संभालने का निमित्त बनता है, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाए, प्रभाव में ना आए और बाकी 9 बच्चों के प्रभाव में आती रहे, उनके कंट्रोल में चलती रहे, उन बाकी 9 बच्चों को ये अधिकार मिल जाए कि वो माता का जीतापति भगवान बन करके बैठे और कंट्रोल में चलाते रहे। आज भी घर घर में माताएं बच्चों के कंट्रोल में चल रही है, पति का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहता। ये दंड कम है? सबसे जास्ती दुखी कौन होती है? माताएं दुखी होती है। आज कलयुग के अंत में भी माताएं सबसे जास्ती दुखी है। क्यों दुखी है? हैं? क्योंकि बच्चों के मोह में आ जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, माताओं ने अगर मोह के ऊपर जीत पा ली तो समझो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उन माताओं की माता है ब्रह्मा बाबा। है 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 वो करोड़ 37 करोड़ देवता है, तो कलयुग के अंत तक परम धाम से नीचे उतरते रहते हैं। ये क्या बड़ी बात हो गई है? उससे ज्यादा बड़ी बात तो वो है जो सतयुग त्रेता में आने वाले देवताएं बनते हैं, परम धाम से उतरते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो सतयुग में परम धाम से नीचे उतरते हैं और देवता बनते हैं। उनसे भी बड़ी बात जो सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा फर्स्ट नारायण के राज्य में आते हैं, 16 कला संपूर्ण यथा राजा तथा प्रजा बनते हैं, और उनसे भी ज्यादा उनके वो हैं जो संगम युग में 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। और राधा कृष्ण वाली आत्माओं के जन्म देने के निमित्त बनते हैं। तो 33 करोड़ देवताओं की बात करना, ये लक्ष्य देना तो मुंह पर भी नहीं आना।
और बाबा अष्टदेव भी धर्मराज का दंड पाते है। क्या बात हो गई है? ऐसा कोई भाई ने कहा? कोई भाई की बात बुद्धि में रह गई और मुरली की बात बुद्धि में से उतर गई। तुम बोला थे यहाँ भरी सभा में सबके कानों में क्यों डाल रहे हो अनर्गल बात? जिसका कोई आगा पीछा ही नहीं वो बात सबकी बुद्धि में कान में नहीं डालना, टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने जो बोला वो पत्थर की लकीर, और श्रीमत के बरखिलाफ जो बात करते हैं वो कौन से संप्रदाय है? रावण संप्रदाय। और उन रावण संप्रदाय की बोली हुई बात को कान में धारण करना फिर बुद्धि में धारण करना, हम कौन बन जावेंगे फिर? हाँ रावण संप्रदाय बन जावेंगे, ऐसे नहीं करना। आठ में भी जो नंबर वार होते हैं ना? हाँ जी, नंबर वार इसी में से होता है ऐसा। हाँ नंबर वार होते हैं फिनिशिंग के हिसाब से, थोड़ा फिनिशिंग का अंतर होता है बस। आखिरी जन्म में, आखिरी जन्म में माया अगर किसी को पछाड़ेगी ही नहीं तो पतित कैसे बनेंगे? थोड़ा सा दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व क्या होगा? एक होती है भक्ति मार्ग की पूजा जिसे अव्यभिचारी पूजा कहते हैं, और एक होती है व्यभिचारी पूजा। तो व्यभिचारी पूजा के तो अनेक रूप हो जाते हैं। व्यक्ति की पूजा की वो भी भूत पूजा है। व्यक्ति की पूजा न करके सिर्फ उसके बालों को ही ले लिया, जैसे भरत ने क्या किया राम की खड़ाऊ ले ली, पादुका ले ली, तो जब राम ही मिल रहा है तो राम की याद करे या पादुका ले? राम को याद करे। हाँ जी, और वहाँ ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ दिया था। 69 वो फिर है कि उसने बताया यही कि यही इसने प्रजापिता ने कमल को क्या किप का पत्ता में आता है ना, तभी प्रजापिता ने प्रवेश किया उसका बताया है प्रजापिता के अंदर यही कि यही इसने किप के पत्ते में अच्छे विराजमान हो मन बुद्धि में प्रवेश होता है प्रजापिता में। प्रजापिता का मन कृष्ण की आत्मा प्रवेश, कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है? नहीं, पीपल के पत्ते में क्या होता है? पीपल का पत्ता है जगदम्बा, जो थोड़ा सा माया सा झोंका आने से हिल जाती है जैसे पीपल का पत्ता। नहीं बाबा, यही की इसमें तो प्रजापिता कोई पीपल का पत्ता नहीं है, पीपल के पत्ते में गर्व दिखाया जाता है, माने जगदम्बा के अंदर वो टोल प्रवेश कर जाती है। तो एक से हाँ, जबकि एक साल ब्रह्मा बाबा गुलजार आदि में प्रवेश ही नहीं किया। प्रजापिता में प्रवेश, हाँ जी हाँ जी, प्रजापिता में तो लगातार ही है, लेकिन वो तो मुकर्रर है ही, लेकिन जगदम्बा में भी प्रवेश होता है चंद्रमा का। इसलिए भक्ति मार्ग में जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है।
आदित्य वाणी में ब्रह्मा बाप का नाम जाहिर आया है, साकार मूल्य में नहीं आया है। विष्णु वाली आत्मा प्रवेश करता है और उसका किराया देता है, विष्णु वाली आत्मा किराया देता है। शिव तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है और उसका राजस्व नक्षत्र देता है, क्योंकि विष्णु वाली आत्मा जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है उसका शरीर से किराया देता है। वो क्या किराया देगा? पढ़ने वाला स्टूडेंट किराया देता है कि टीचर किराया लेता है? हाँ, शरीर का उपयोग नहीं किया, शरीर के ऊपर वो कब्जा करता है अपना कार्य निकालने के लिए। हैं? हाँ, उपयोग करता है अपना कार्य निकालने के लिए, अपने बच्चों का पोषण करने के लिए। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, ब्रह्मा ने असुरों को वरदान दिए तो ब्रह्मा की सारी ताकत किसके पीछे गई? असुरों की पीछे। ऐसे ही सत्य वाली सोल, ब्रह्मा वाली सोल, सुप्रीम सोल जिसमें मुकर रूप से प्रवेश करता है उसमें इंटरफियर करके प्रवेश, इंटरफियर करने के लिए प्रवेश करती है, विरोध करने के लिए प्रवेश करती है, बात को मानने के लिए नहीं। ये जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं जो ब्राह्मणों में प्रवेश कर रही है वो अपोजिशन करने वाली आत्माएं हैं, वो साकार शरीर से एडवांस ज्ञान को न समझने वाली आत्माएं। और ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, चाहे वो कुमार का दादी हो, चंद्रमणि दादी हो, विश्वकिशोर बाबू हो, ब्रह्मा बाबा हो, या कोई भी आत्मा जिन्होंने एडवांस ज्ञान समझे बगैर, बाप को पहचाने बगैर शरीर छोड़ दिया, वो अपोजिशन में रहेंगी या सपोर्ट करेंगी? जब उनके ऊपर जीत पाले शंकर वाली आत्मा, जब बैल के ऊपर छलांग लगाए हाई जंप और सवार हो जाए, फिर तो क्या कर सकते हैं? बाद में ही सभी आत्माएं सपोर्ट में आएंगी। बिल्कुल, बच्चों के ऊपर है, जो भी एडवांस के बच्चे हैं उनके ऊपर रावणी आत्माओं का, मायावी आत्माओं का प्रभाव होता है, वर्चस्व होता है या नहीं होता है? होता है। अरे रावण के चित्र में तो 10 सिरों का बाप ही गदा दिखाया गया। गदा कौन है? ब्रह्मा जी। तो उतना उच्च कोटि में भक्ति मार्ग में पूजा होता है? उतना उच्च कोटि में भक्ति मार्ग में पूजा होता है? अरे कहाँ तक पहुँचे? भक्ति मार्ग में जिस कृष्ण की पूजा होती है वो संगमयुगी कृष्ण है, यह अर्थक से पहले का पाठ बजाने वाला कृष्ण है, संपन्न स्टेज वाला, 16,000 गोपियों के संगठन के बीच में पाठ बजाने वाला कृष्ण है, या 300-400 के बीच में पाठ बजाने वाला कृष्ण है? दो आत्मा अलग अलग है ना? दो आत्मा अलग अलग कब तक है? संपन्न होने के बाद अलग अलग है, यह संपन्न होने से पहले जो असंपन्न स्टेज है उसमें अलग अलग। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? हमारी दृष्टि संपन्नता पर जाती है या असंपन्न स्टेज पर जाती है? तो जो भक्ति मार्ग में जो गायन है या कृतम पेठो राम नारायण सब एक है, वही ठीक है? संपन्न स्टेज का गायन है संपन्न स्टेज या अभी का गायन है?
कंपनी कंपनी की।